कलयुग में महाप्रभु जो आए हैं, बोले क्यों आए, बोले बड़े तैयार करके आए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, अनर्पित चरिन चिराद करुणयाव तीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसान सो भक्ति श्रेय। इसलिए कलयुग में महाप्रभु करुणा करके दया करके कलयुग में आए हैं, क्या देने के लिए, ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव जी जो प्रेम के लिए तरसते हैं, हमें वो ब्रज प्रेम की प्राप्त हो। लेकिन कलयुग में महाप्रभु आकर के वो प्रेम को आसानी से प्रदान किया, और उन्होंने कोई विचार नहीं किया कि इसका अंदर में अधिकार नहीं, इसका अंदर पात्र की अपात्र, उन्होंने कोई पात्र विचार नहीं किया। और वो जो दुर्लभ ब्रज प्रेम है, कहते चिरात दत्तम निज गुप्त पितम, जो अपना गुप्त धन को जो छुपा करके उन्होंने रखे थे बड़े दिनों से, जो धन को उन्होंने छुपा करके रखे थे, जो प्रेम धन को नहीं देते थे, बोले छुपा करके क्यों रखे, ये प्रेम को वो छुपा करके क्यों रखे, बोले कारण है, कहते ना भुक्ति मुक्ति देन प्रभु भक्ति राखे लुकाया, कहते भुक्ति मुक्ति तो दे देते हैं लेकिन भक्ति को सहज में नहीं देते, इसको छुपा करके रखते हैं, बोले छुपा करके रखते हैं, बोले कारण है, अगर किसको भक्ति दे देना भगवान उसका प्रेम में वशीभूत होना पड़ता है। भगवान कितने प्रेम में वशीभूत हुए, दुनिया का कान पकड़ कर भगवान उठाते बैठा थे, लेकिन मैया क्या करती, उसका कान पकड़ के उसको उठाते बैठा थे, हैं सारा दुनिया उसको झूठन खाते हैं, सारा दुनिया उसको झूठन खाते हैं, लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, ब्रज में सखाओं का झूठन खाते हैं। अगर कोई फल मिला ना, सखा लोगों बोले कन्हैया बड़े मीठो फल, बोले सारे अकेले खाओगे, कृष्ण झपड़ कर इसको झूठा फल खाते हैं। और कभी अगर परास्त हो जाए ना, श्री राम को साथ में खेलते खेलते कृष्ण को सुदाम के घोड़ा बन, अगर कृष्ण कभी बोलते मैं नहीं बनूंगा, सखा लोग कहते इसको अलग कर दो, आज से इससे कोई बात नहीं करेगा, निकालो तो इसको पार्टी से निकाल दो। फिर कृष्ण गिड़गिड़ाते, भैया मेरे को मत निकाल दो पार्टी से, मेरे को घोड़ा बना लो, चल घोड़ा बन, उसको ऊपर बैठ करके चलते, कृष्ण घोड़ा बनते। मतलब इतने भगवान भक्तों का प्रेम में इतने दूर तक वशीभूत हो जाते हैं। अगर राधा रानी मान कर लेती है, हैं राधा रानी मान कर लेती है ना, उनको सखियों को दरवाजा को सामने बाहर कर देती, खड़ी कर देती, बोले आज किसी काले को अंदर में घुसने मत देना, हैं किसी काले को अंदर में घुसने मत देना। कृष्ण मतलब प्रेम में कितने, राधा जी की बात ही छोड़ दो, उनकी सखियों को चरण में भी कृष्ण गिड़गिड़ाते हैं, रूप मंजरी रति मंजरी इनके चरण में गिड़गिड़ाते हैं, हमें थोड़ी सी राधा रानी से मिलने दो, उनको हाथ जोड़ते हैं, क्यों, बोले भक्ति की इतने शक्ति है, भक्ति में इतने शक्ति, वो परात पर तत्व को भी उन्होंने अपना चरण में झुका देते हैं भगवान को। इसलिए भगवान सहज में, ये भक्ति को सहज में भगवान देना नहीं चाहते हैं, ये भक्ति को छुपा करके भगवान रखते हैं। इसलिए ये कहते कलयुग में वो दुर्लभ प्रेम को देने के लिए महाप्रभु जगत में निज अपना प्रेम को जगत में देने के लिए, लुटाने के लिए कलयुग में महाप्रभु रूप में हैं आते हैं। महाप्रभु रूप में बोले अवतीर्ण कलो हैं, इसलिए वो दुर्लभ प्रेम को देने के लिए आते हैं। और क्या करते हैं, कहते उनकी प्रेम में इतने रस है, इतने आनंद है, जैसे रसगुल्ला है ना, रसगुल्ला को पता नहीं रसगुल्ला में क्या स्वाद है, पता है उसको पता नहीं, लेकिन जो खाने वालों को पता है, इसलिए खाने वालों को पता है रसगुल्ला में कितने स्वाद है, लेकिन रसगुल्ला को पता नहीं। इसलिए कृष्ण सोचते हैं, जिन वेद उनको कहता है रस वैस रसम जवाया लब्ध्वा आनंद भवती, मतलब कृष्ण स्वयं रस स्वरूप है, पूर्ण रस स्वरूप, जो अखिल रसामृत मूर्ति, सारे रस का जो मूर्तिमान स्वरूप भगवान कृष्ण है। इसलिए लेकिन कृष्ण तो स्वयं रस स्वरूप, लेकिन उनको पता नहीं वो कृष्ण में क्या आनंद क्या रस है, वो कृष्ण को ही पता नहीं, कृष्ण नहीं जानते। इसलिए कृष्ण सोचते हैं, यद्यपि मेरे सारे भक्त मेरे रस का आस्वादन करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप में मेरे रस को कौन आस्वादन करती, बोले राधा रानी, ये राधा रानी आस्वादन करती है, क्योंकि कृष्ण इतने सुंदर
इतने सुंदर कृष्ण, कहते कृष्ण की सुंदरता को सुन करके लक्ष्मी स्वयं वैकुंठ छोड़ देती और बैल वन में कठोर तपस्या कर रही है। कहते बिहाय कमान सुचिर धृत बता, कब से बैठी हुई और ध्यान कर रही है, कृष्ण की तपस्या कर रही है, हैं कर लक्ष्मी। कहते लक्ष्मी की बात छोड़ दो, नारायण भी जब कृष्ण की मधुरिमा को नारायण सुनते हैं, वो द्वारका में बच्चों को चोरी करते हैं, वो चोरी करते हैं, नारायण होकर चोरी करते। बोले क्यों? बोले कृष्ण रूप को देखने के लिए। इसे अर्जुन को साथ में जब गए कृष्ण, भगवान कहते प्रभु आपका ये रूप को देखने के लिए मैंने बच्चों को चोरी किया, आप बच्चों को ले जाओ, मेरा अहोभाग्य आज आपका दर्शन हो गया। मतलब कृष्ण इतने सुंदर हैं। तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं एक ही कृष्ण, लेकिन जब वो मथुरा में रहते हैं और एक ही कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं, कहते मथुरा के कृष्ण जब वृंदावन कृष्ण की महिमा सुनते हैं ना, इनके हृदय में उथल पुथल मच जाती है, वृंदावन के कृष्ण कितने सुंदर होंगे। मतलब वृंदावन का कृष्ण इतना सुंदर, वो जब अपना रूप को मणि स्तंभ ऊपर में अपना परछाई को देखते हैं, कृष्ण कहते भैया ये कौन है, कृष्ण अपना परछाई को देखते भैया कौन है, इतने सुंदर, इतने सुंदर है, मैंने कभी देखा नहीं इतने सुंदर रूप। कृष्ण स्वयं सोचते हैं, जैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण को आलिंगन करती है, कृष्ण कहते मैं कब राधा रानी बन जाओ, और राधा रानी बन करके, और क्योंकि राधा रानी कृष्ण को आलिंगन करती है वृंदावन कृष्ण को, मैं राधा रानी बन करके कब ऐसे दिन हो मैं स्वयं राधा रानी बन करके और ये कृष्ण को आलिंगन, इनके हृदय में इतने पीपा कृष्ण कितने सुंदर है। इसलिए कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा जी का भाव और अंगकांत लेकर के स्वयं कृष्ण कलयुग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि बन करके आते हैं, और दिन रात जैसे श्रीमती राधा रानी कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, जैसे राधा रानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बन करके, जैसे कृष्ण गुणतिथि स्वयं कलयुग में महाप्रभु बास राधा रानी की रोल करते हुए और कृष्ण प्रेम में दोनों हाथ उठा करके कृष्ण कहा हा कृष्ण हा कृष्ण बोल करके कृष्ण स्वयं अपना प्रेम में पागल बनते। इसलिए यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी जब उन्होंने ये बृहत भागवत ग्रंथ को वर्णना करते हैं, सबसे पहले श्री सच्चिदानंद गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु को ये प्रणाम करते हैं, मतलब जिनकी कृपा से आज में ये ग्रंथ रचना करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए कहते हैं ये चैतन्य महाप्रभु कौन है, बोले राधा कृष्ण प्रणय विक्रीत शक्ति रस्मात देकात्मना भूमि पुरा देह भेद गतो तो चैतन्याख प्रकट मधुना तत्त्वय अभिचैकमात्म राधा भाव दुति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूप। श्री स्वरूप दामोदर महाप्रभु का तत्व को निरूपण करते हैं, बोले महाप्रभु कौन है, बोले राधा कृष्ण प्रणय विकृति। कहते हम कहते ना ये राधा, बोले राधा क्या है, हम कहते ना ये राधा रानी क्या है, बोले ये राधा और कोई नहीं, कहते कृष्ण प्रेम को जब एक अलग रूप दिया जाएगा ना, कहते वो कौन है, श्री राधा रानी। इसलिए राधा और कोई नहीं, ये कृष्ण प्रेम का ही एक रूप है। इसलिए राधा शब्द को उल्टा दो क्या होगा, धारा है, मतलब ये राधा नहीं, ये कृष्ण प्रेम रस की एक ये धारा है। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं वैदग्धि सिंधु रसमूर्तैक सिंधु लावण्य सिंधु, हैं वो उदाहरण देते राधा रानी कौन है, जैसे हम सुनते ना सप्त समुद्र है, सात समुद्र है, किस चीज, एक इखु समुद्र है, एक लवण समुद्र है, एक घी का समुद्र है, एक मदिरा का समुद्र है, एक दूध का समुद्र है, एक शहद का समुद्र है, हैं? लेकिन अभी तक तो हम लोग केवल एक समुद्र मिला है, कौन सा समुद्र, कहते केवल लवण समुद्र, नमकीन समुद्र हमें मिला, लेकिन शास्त्र कहता है ना, लेकिन ये सात समुद्र अभी
और छह समुद्र अभी हम पता नहीं चला, लेकिन भगवान खीर समुद्र में, हम जानते हैं भगवान कहाँ शयन करते हैं, खीर समुद्र में भगवान शयन करते हैं, समुद्र सात है। उसी तरह हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, कहते उसी तरह जैसे सात समुद्र है, कहते राधा रानी के अंदर में ना ये सात समुद्र विद्यमान है, ये राधा रानी के अंदर में ये सात समुद्र राधा जी के अंदर में, भले लावण्य सिंधु, लावण्य मतलब सुंदरता, कहते सारी सुंदर का तो सिंधु तो कौन है, श्री राधा रानी, कहते वैदग्ध सिंधु, रसमूर्ति सिंधु, वात्सल्य सिंधु, करुणेक सिंधु है, इसलिए कहते राधा रानी में ये सारे समुद्र है ना, ये राधा रानी के अंदर में ये सारे समुद्र विद्यमान है श्री राधा। इसलिए राधा रानी कौन है, बोले कृष्ण प्रेम का जो रूप है श्रीमती राधा रानी। कहते ये राधा रानी है कौन, कहते इनका दो रूप बताया है, कहते एक है अमूर्त रूप है और एक मूर्त रूप है। कहते मूर्त रूप क्या, कहते हम जो मंदिर में दर्शन करते हैं राधा रानी को, ये मूर्ति रूप में, कहते इनका एक अमूर्त रूप है जो मूर्ति रूप में नहीं, बोले वो क्या है, तो गुरुदेव कहते हैं कभी जो भक्ति है ना ये कहाँ से शुरू होता है, श्रद्धा से, ये भक्ति शुरू होता है श्रद्धा से, जैसे श्रद्धा है इसलिए आप लोग यहाँ पर आए कथा सुन, फिर उसके बाद यही श्रद्धा ही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते साधु संग करते हैं, श्रद्धा है फिर साधु संग किया, फिर साधु संग को बाद में पता चलता भैया हम कौन है, हम आए कहाँ से, हमारा कर्तव्य क्या है, फिर पता चलता है जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हम सब भगवान के नित्य सेवक है, और भगवान को भूलने का वजह से भगवान की बहिरंगा शक्ति ने ये माया में हमें ये संसार रूपी कारागार में जाल करके हमें संसार में ये दुख कष्ट भोग कराता है, जब ये चीज पता चलता है फिर हम भजन शुरू करते हैं, फिर भजन किया उसके बाद में फिर सारे अनर्थ दूर होता है, उसके बाद में फिर रुचि, फिर निष्ठा, फिर आसक्त, फिर भाव और प्रेम, कहते यही प्रेम ही घनीभूत होकर के स्नेह, फिर मान, फिर प्रणय, रूप गोस्वामी एक एक वर्णना किया, हाँ स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, कहते यही प्रेम ही जैसे दूध को गर्म करते 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 से राबड़ी बन जाती है, फिर खोआ बनता है, फिर पेड़ा बनता है ना, फिर हम खाते हैं, कहते कहते उसी तरह कहते यही प्रेम ही जब ये चरम अवस्था को प्राप्त करता है ना, कहते क्या रूप धारण करता, बोले महाभाव है, कहते ये महाभाव स्वरूप श्री राधा का, राधा रानी कौन है, कहते ये कृष्ण प्रेम का जो घनीभूत अवस्था है, कहते ये श्रीमती राधा रानी, इसलिए कहते राधा और कृष्ण के तत्वतः राधा कृष्ण दोनों कोई अलग नहीं, वो एक ही है, लेकिन वो एक होते हुए अभी दो है और दो होते हुए भी वो एक है, हैं? लेकिन अभी कलयुग में वही कृष्ण ही कलयुग में राधा रानी का भाव हर अंग कांति लेकर के कलयुग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि बन करके जगत में आते हैं और स्वयं प्रेम को आस्वादन करते हुए, स्वयं प्रेम को आस्वादन करते हैं और उसका जो छीटा घोटा है ना, कहते स्वभक्ति श्रीय शोभ, अपना भक्ति का जो श्री जो सौंदर्य, कहते जो गोपी और मंजरियों का भाव को जगत में महाप्रभु ये चीज को जगत में वितरण करते हैं, इसलिए कहते ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु है, कहते ऐसे चैतन्य महाप्रभु का हम प्रणाम करते हैं, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, निताई गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। अभी कितना टाइम हो गया, 20 और 20 मिनट का टाइम, इसलिए कहते श्री सनातन गोस्वामी उसको बाद में फिर किसको प्रणाम करते हैं, कहते ये मथुरा धाम को प्रणाम करते हैं, बोले जयती मथुरा देवी श्रेष्ठ पुरी मनोरमा परम दैत कंसारा तेज निस्थित दुरीत हरणाम मुक्ते भक्ते रपि प्रति प्रतिपादना जगति महता तत्त क्रीड़ा कथास्तु विदुरति। यदि ये मथुरा देवी को प्रणाम करते हैं, हम लोग मथुरा गए होंगे, मथुरा में एक मथुरा देवी जो
हम परिक्रमा करते हैं ना, 84 ब्रजमंडल परिक्रमा होता है, उसमें एक मथुरा देवी का एक मंदिर है। ये मथुरा देवी और कोई नहीं, ये एक तरह से कृष्ण का ये प्रेयस है, कृष्ण की ये पटरानी है। कहती है मथुरा देवी को प्रणाम करते हैं, कहती है मथुरा नहीं, कहती है मथुरा, ये मथुरा, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं ये मथुरा नहीं, ये मथुरा है, ये पूरा मीठा ही मीठा है, है? ये मथुरा देवी, कहती है मथुरा देवी, कहते सात पूरी है, कितने पूरी है, सात पूरी है। हम कितने पूरी खाते हैं, एक, हम लोग एक ही पूरी खाते हैं, लेकिन पूरी कितने हैं, सात, सात। पर को पूरी मतलब क्या, पूरी मतलब होता है पूर मां घर, कहते वो सात पूरी क्या किया, अयोध्या पूरी, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिया और द्वारावती, ये सात पूरी है। पूरी मतलब जहां पर भगवान का निवास है, इसलिए ये सप्तपुरी है। लेकिन ये सप्तपुरी में सर्वश्रेष्ठ पूरी क्या है, कहते मथुरा पूरी सर्वश्रेष्ठ। इसलिए रूप गोस्वामी जब ये मथुरापुरी आते हैं ना, तो कहते भैया ये मथुरापुरी आ रहे हैं, इनको स्वागत करो। कहते हे काशी, उस लोग मेरी याद नहीं, काशी तुम उनकी पादुका लेकर खड़े हो जाओ। हे अवंतिया, उन जो थूकते हैं ना उसकी पिंकदान लेकर तुम प्रस्तुत रहो। हाँ, ये अयोध्या, तुम उनके लिए सर पर छत्र लेकर खड़े हो जाओ। हाँ, ये हाँ माया, तुम लेकर के उनको चामर लेकर खड़े हो जाओ। हाँ, इसका मतलब जो ये मथुरा पुरी आती है और जितनी और पुरी है, मतलब और जितने धाम हैं उनकी सेवा के लिए, सबके सब उनको सेवा के लिए छत्री, कोई चामर, कोई व्यंजन, कोई पिंगदानी, कोई पादुका, इसको ले करके उनकी सेवा के लिए सबके सब खड़े रहते हैं। इसलिए क्यों, ये जो मथुरा पुरी है भगवान कृष्ण की, ये पटरानी है मथुरा, इसलिए सबके सब पुरी इनकी ये करते हैं। कहते यहाँ पर कहते मथुरापुरी की एक विशेषत्व है, बोले क्या विशेषत्व है, कहते धाम का बाहर अगर कोई तुम पाप करते हो, अगर तुम कोई धाम में गए ना, वो पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएगा। धाम का बाहर अगर कहीं पाप किया, अगर किसी धाम या सात पुरी में किसी पुरी में जाओ, वहां जाने पर तुम्हारे सारे अपराध खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई धाम में रहे फिर पाप करे, कहते वज्रलिप्त हो जाता है। वज्रलेप मतलब इतने जोर जबरदस्ती वो पाप होता है धाम में रह करके, अगर कोई पाप करे ना, ये पाप से निकलना बड़ा कठिन, ये पाप से मुक्ति नहीं मिलती कोई भी सातपुरी में। लेकिन ये मथुरापुरी में एक विशेषत्व, बोले क्या विशेषत्व है, अगर मथुरापुरी में रह करके अगर तुम्हारी कहीं अपराध हो गया, मथुरापुरी में रह करके कोई अपराध हो गया, लेकिन अगर तुम वहां भजन किया, मथुरा धाम की परिक्रमा की, उनके स्तुति स्तव की ना, वो तुम्हारे अपराध दूर हो जाता है। इसलिए आप देखना जब ये 84 ब्रजमंडल परिक्रमा होता है, सर्वप्रथम परिक्रमा कहाँ से स्टार्टिंग होता है, मथुरा, ये विश्राम घाट से। जितने परिक्रमा ब्रजमंडल परिक्रमा होता है सबके सब हमारी मथुरा, हमारा मंदिर परिक्रमा भी है, इसलिए सर्वप्रथम ये मथुरा से ही ये परिक्रमा स्टार्टिंग होता है। और सर्वप्रथम कहाँ पर संकल्प लेते हैं, ये विश्राम घाट में जाकर के वहीं पर संकल्प लेते हैं, और वहां पर श्री भूतेश्वर महादेव है, क्योंकि धाम को जो रक्षा करने वाले श्री भूतेश्वर महादेव, सर्वप्रथम हम लोग उनको पास में जाते हैं, क्योंकि धाम को वही रक्षा करते हैं, उनको पास में आदेश लेते हैं, आप कृपा करके हमें प्रवेश का, धाम परिक्रमा करने का प्रवेश हमें अधिकार दो, जैसे हम ये धाम को हम परिक्रमा कर सके। कहते मथुरापुरी की इतने महत्व है, कहते अगर किसी ना किसी तरह से, इसलिए हमारे जो महाराज है ना भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज कहाँ पर रहे जिंदगी में, कहाँ पर भजन महाराज ने मथुरा में, हाँ केशव जी गौड़िया मठ में, वहीं पर महाराज सबसे ज्यादा दिन वहीं पर रहे, और वहीं पर उनने साधन भजन भी महाराज वहीं पर साथ स्टार्टिंग किया है महाराज। उसके बाद में सारा दुनिया में उन्होंने जाकर के फिर उन्होंने प्रचार प्रसार करते हैं। कहते ये मथुरापुरी को साथ में कोई थोड़ी सी आपका लिंक हो जाए, मतलब शादी होकर अगर वहां पर चले गए, नहीं तो आपको जनेऊ संस्कार किस तरह से हो गया, नहीं तो आपको वहां जन्म आपका हो गया, अगर ये भी नहीं हो, अगर आपका अंतिम संस्कार, भले ही आप कहीं शरीर छोड़ दिया,
लेकिन आपको अगर श्री ब्रजमंडल में मथुरा में ले लिया जाए, वहाँ पर जो आप देखे होंगे वहाँ पर एक ध्रुव घाट है जहाँ पर कंस का दाह संस्कार किया था। पहले यमुना नदी में स्नान करा के फिर उसका अंतिम संस्कार, किसी तरह से अगर उनका अंतिम संस्कार वहीं पर हो गया, कहते सारे पाप से आप मुक्त हो जाओ, सारे पाप से मुक्त हो जा करके कहते हैं रात्रि एक निवास न हरि भक्तों पर जायते। मथुरा में अगर एक रात अगर कोई निवास कर लिया तो कहते उसको हरि भक्ति प्राप्त हो जाएगी, भगवान की प्रेम उसको प्राप्त हो जाएगी। इतने ये मथुरा भूल की महिमा, इसलिए श्री सनातन गोस्वामी हैं, इसलिए ये मथुरापुरी की जय जयकार करते हैं। बोले श्री मथुरापुरी की जय, बोले श्री मथुरा धाम की जय। उसको बाद में फिर किसका जयकार देते हैं, बोले जयति जयति वृंदारण्यमित मुरारे प्रियतम मति साधु स्वात वैकुंठ वासा रमयति स सदगा पालयन जत्र गोपी स्वरीत मधुर वेणु वर्धयन प्रेम रासे। उसके बाद में श्री वृंदावन धाम की महिमा गाते हैं। लेकिन जब वृंदावन धाम की महिमा गाते हैं ना, सर्वप्रथम उन्होंने जयति जयति दो बार शब्द प्रयोग किया। कहते यहाँ पर मथुरा जब को जय दिया ना, एक बार जय शब्द उन्होंने दिया, लेकिन जब वृंदावन की धाम की महिमा कहते बोले जय थी वृंदा धाम मृतद मुरारे, उन्होंने वृंदावन धाम की दो बार जय कर दिया है। हैं कहते क्यों, कहते मथुरा से भी वृंदावन की ज्यादा महत्व है, वृंदावन की ज्यादा महत्व है। बोले से वृंदावन में इसका नाम वृंदावन, बोले वृंदावन मतलब क्या है, बोले वृंदा मतलब तुलसी और वन मतलब वन, जहाँ तुलसी का वन, ये एक अर्थ है। बोले वृंदावन, बोले वृंदा मतलब क्या, कहते जो मूल वृंदा श्री राधा रानी, और ये वन किसका वन है, इसलिए वृंदावन पर एक नाम है राधा वन बताया, ये वृंदावन नहीं ये राधा रानी, इसलिए महाप्रभु कहते हैं ना राधा रानी कहती है आने हृदय मन और मोर मन वृंदावन, मने बने एक करिमानी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जब राधा रानी श्री कृष्ण को साथ में कुरुक्षेत्र में मिले, तब वहां पर श्री राधा रानी कहती है श्याम सुंदर आप भी हुए श्याम सुंदर, मैं भी हुई राधा रानी हूँ, लेकिन जब हम वृंदावन में मिलते हैं जहाँ पर सुंदर जमुना नदी कलकल नाद से बह रही है, जहाँ पर सुंदर कोयल कूकती हैं, जहाँ पर मयूर केका कर रहे हैं, जहाँ पर बेली चमेली जुई सुंदर सुंदर फूल जहाँ खिले हुए, जहाँ पर हाँ एक साथ में छह ऋतु बहती हैं, जहाँ पर जमुना किनारे में निकुंज में जब हम दोनों मिलते थे, जहाँ पर सुंदर चंद्रमा किरण छिटक रहा है, हाँ सारे काम उद्दीपक वस्तु जब हम वहां मिलते थे, जो आनंद मिलता था, कहते ये आनंद ये कुरुक्षेत्र में नहीं है, कहाँ हाथी घोड़ा सैन्य सामंत, आपका शरीर में कोई ब्रज का चिन्ह ही नहीं, ना शंख चक्र लेकर के आप चक्र लेकर के यहाँ पर खड़े हो, मयूर मुकुट बंसुरी नहीं, इसलिए अगर हम आनंद देना चाहते हो ना, तो राधा रानी कहती है आने हृदय मन, दूसरा का जो हृदय है ना वो मन है, हम लोग का मन क्या है, मन है, मन मतलब क्या, जिसमें सारे दुनियादारी की बात है। आप देखना हम जो भजन करने के लिए बैठते हैं ना, हर समय तो मन में गंदी चीज चलती रहती है, इसका टीवी चलती रहती है, लेकिन जब भजन के लिए भी जब हम बैठते हैं थोड़ी सी आंधी करने के लिए अचमन करके सब कुछ करके, आज हम गुरु मंत्र और कृष्ण मंत्र एक मन से करेंगे, बस एक सेकंड के बाद में देखना मन है ही नहीं, वो मन तो कहीं अपना काम कर रहा है, किसी गोलगप्पे की दुकान में, नहीं तो किसी दोस्त के पास में, नहीं तो सिनेमा में जाकर घूमता है। इसलिए कहते दूसरा का जो मन है वो मन है जिसमें सारी गंदी चीज है, लेकिन राधा रानी कहते लेकिन मेरे जो मन है ना ये वृंदावन है, मेरा मन मन नहीं, मेरा मन वृंदावन है, जहाँ पर एकदम शुद्ध है, जहाँ पर कृष्ण की क्रीड़ा भूमि, जहाँ पर रास रचाते हैं भगवान, जहाँ पर दिव्य है,
जहाँ पर चिंतामणि प्रखर सदम सुकल्प वृक्ष, जहाँ पर चिंतामणि, जहाँ पर वृक्ष कल्प वृक्ष है, जहाँ पर पानी तोयम मृतम, जहाँ पानी अमृत है, जहाँ पर चलना है नाचना, जहाँ पर बोलना ही भगवान का कीर्तन है। कहते मेरे मन वृंदावन है, है? इसलिए अगर हमें वो आनंद देना चाहते हो फिर क्या करो, मेरे मन रूपी हृदय में रथ में आप बैठो और आपको हम ले चलेंगे वृंदावन। इसलिए वृंदावन का एक अर्थ होता है ये वृंदावन नहीं, ये श्री राधा रानी की ये वन है, इसलिए इसको राधा वन बताया। मतलब वृंदावन, वृंदा मतलब होता है भक्त वृंद, है भक्त वृंद। अवन मतलब कहते जो धाम, अगर कोई भक्त वृंदावन में भजन करने के लिए आए, जहाँ पर वृंदावन धाम भक्तों को अपना चरण में आश्रय देते हैं भजन करने के लिए, इसलिए जो वृंदावन धाम है कहते ये वैकुंठ सभी बढ़ करके श्री वृंदावन धाम है। वैकुंठ में भगवान के जन्म नहीं है इसलिए, लेकिन वृंदावन में भगवान गोकुल में जन्म ग्रहण करते हैं। भगवान जहाँ पर दीप रास रचाते हैं श्री वृंदावन धाम में, है जहाँ पर उन्होंने निकुंज में, जहाँ पर सेवा कुंज में, निधुवन में सुंदर सुंदर प्रभु जहाँ पर लीला की। इसलिए जहाँ पर कृष्ण केवल वृंदावन ही ऐसे के धाम हुए जहाँ पर कृष्ण नंगे प्यार में गैया चराते। इसलिए कृष्ण जब गैया चराने के लिए निकले तो मैया जसोदा बोलती है लाला अभी गैया चराने के लिए जाओगे तेरे लिए एक छतरी और दो जूती बना देते। कृष्ण क्या कहते, बोले माँ हम तो गोपाल है, गैया हमारी इष्ट है, हम तो उनका सेवक है, गोपाल है ना गैया को जो पालन करते हैं, हम तो गोपाल, गोपाल मतलब गैया को जो पालन करने वाले, गो हमारी कौन है इष्ट है, हमारी पूज्य है, कहाँ गैया खाली पैर में और खाली जूती और खाली छतरी में जा रहे हैं, हम उनका सेवक होकर जूती छतरी कैसे धारण करेंगे। अगर मेरे लिए एक छतरी जूती बनाओगे ना, ये जितने गैया है ना सबके लिए जूती बना दो और सबके लिए एक एक छतरी बना दो, फिर तो मेरे लिए भी एक छतरी जूती बना दो। इसलिए यहाँ पर कृष्ण केवल भगवान की जितने स्वरूप देखो, कृष्ण जो मथुरा में रहे, द्वारका में रहे, वैकुंठ में रहे, अयोध्या में, भगवान खाली नंगे पैर कहीं नहीं चले, भगवान जूती पहनकर हर जगह पर चले, लेकिन एक वृंदावन धाम हुए जहाँ पर भगवान कहीं जूती नहीं पहने। इसलिए श्री भागवत में बताते हैं जब भगवान वृंदावन में चलते हैं कभी जो पृथ्वी जो घास है ना, कभी ये घास नहीं, कृष्ण का चरण का स्पर्श पा करके जैसे घास में उनका रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते उसमें जो झरना बहती है कभी ये झरना नहीं, जैसे आनंद कुमारे जैसे आंखों से हमारे आंसू बहता है ना, क्यों तो झरना झरना नहीं आंसू है, हैं? और कृष्ण जब चलते हैं उसी समय की वृंदावन धाम कभी गिरिराज गोवर्धन अपना कभी जीवा को निकाल देती, कृष्ण का चरण जिसको जीवा गोबर बैठता है, और जितने साधु लोग है अपना हृदय को बिछा देते हैं, कहते प्रभु हम मेरा हृदय में आप चरण को मेरे हृदय के ऊपर में रखो। इसलिए यहाँ पर जब वृंदावन धाम की जय, वैसे वृंदावन धाम हमारे दर्शन नहीं हुआ, देखो आनंद महाविष्णु क्या कहते, बोले वृंदावन धाम अरे तुम्हारी बात छोड़ दे, भगवान महाविष्णु कहते हैं भैया मेरा भी अभी तक सौभाग्य नहीं हुआ ये वृंदावन धाम में जाने का, बोले मेरी बात छोड़ दे, कहते जो महाविष्णु है और जो कारणदेव साई विष्णु, जो गर्भदुग साई विष्णु और जो क्षीरादि साई विष्णु, इनका भी प्रवेश अभी वृंदावन में नहीं हुआ है। इसलिए आप वृंदावन में गए होंगे देखना, शंकर जी कॉपी बन करके बैठे हुए चौकीदार का काम कर रहे हैं, उद्धव जी घास भूसा बनने के लिए प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी पत्थर जन्म के लिए, कहते ब्रज का बहार जहाँ पर छोटे जाति रहते हैं वहां पर पत्थर जन्म लेने के लिए ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी तो जमुना का उस पार में सब जगह में तो आशीर्वाद देती है, और वृंदावन में हाथ जोड़कर बैठी है तपस्या कर रही है वृंदावन धाम में प्रवेश करने के लिए। कौन कह रहे हैं, कहती है महाविष्णु ये अनंत देव को ये कथा सुना रहे हैं, बोले जानते हो ये वृंदावन धाम क्या तेरे को पता है, कहते वहां पर पहाड़ नहीं,
वहां पहाड़ नहीं वृंदावन में, आप गए ना जो नंदीश्वर पर्वत गया है वो स्वयं शंकर जी पहाड़ बनकर बैठे हुए। कभी ब्रह्माचल पर्वत गया जी ब्रह्मा स्वयं पहाड़ बने, बोले विष्णु पर्वत किया गिरिराज गोवर्धन किया, बोले गिरिराज गोवर्धन ये साक्षात भगवान विष्णु ये गिरिराज का रूप धारण किया है। और चारों तरफ में जो पहाड़ है ना, कोई ललिता पहाड़ कोई विशाखा पहाड़ कोई ये सब पहाड़ है, चित्रलता पहाड़ है, सब सखियां सब पहाड़ रूप धारण की। बोले वृंदावन में नदी नहीं, कहते वहां पर जमुना, जमुना कौन है, है? बोले जमुना नहीं, कहते राधा कृष्ण का प्रेम जब द्रवीभूत होकर के पानी रूप धारण करती है कहते ये जमुना रूप में बहती है। इसलिए बोले हाँ, इसलिए चिदानंद भानु सदानंद सुनो परम प्रेम गात्री लगा नाम अवत्री। इसलिए ये जमुना कोई साधारण जमुना की जमुना नहीं है। ये जमुना कैसे बनी, बोले एक समय भगवान कृष्ण स्वयं अपना राग रागिन को सुने, अपना कीर्तन सुने, राग को सुन करके कृष्ण का शरीर प्रेम में द्रवीभूत हुआ है। जब राग सुने भगवान का शरीर से पसीना निकली, जब पसीना निकली तब मैया यशोदा कृष्ण को मोटी मोटी काजल लगा दी थी, अब ये काजल में पसीना लगते हो गई काली, फिर वो पसीना बहते हुए कृष्ण का वक्ष स्तंभ को स्पर्श करते हुए और उनका चरणों को स्पर्श करते हुए जब ये बहती हैं, ये कौन है, श्री जमुना महारानी, ये स्वयं विशाखा सखी, और इनका एक स्वरूप अनुराधा, राधा जी की छोटी बहनी अनुराधा, और जब मथुरा में जाती हैं ये इनका पटरानी बनती हैं, हैं? और वृंदावन में ये कृष्ण की सखी है, ये सखी वृंदावन में। इसलिए कहते गंगा के जितने महत्व है, कहते गंगा में स्नान करने पर जो फल मिलेगा, बोले जमुना की स्मरण करने पर उतना फल मिलेगा। इसलिए बराह देव पृथ्वी को कहते, बोले पृथ्वी ये गंगा के जितने महत्व है उसके 100 गुण ज्यादा महत्व श्री जमुना के, 1 गुना 2 गुना नहीं। तो गंगा की जगत में भारत में गंगा को सबसे पवित्र नदी गंगा को मानी जाती है, लेकिन बराह देव कह रहे हैं पृथ्वी को, बोले पृथ्वी देवी गंगा के जितने महत्व है उसका 100 गुण ज्यादा महत्व किसकी, जमुना की 100 गुण महत्व है, इतने श्री जमुना महारानी के महत्व है। इसलिए गुरुदेव एक सुंदर कथा सुनाते हैं, बोले एक समय जो गंगा किनारे में रहते थे वो बड़ी गंगा की महत्व सुनाते थे, भैया गंगा कितने पवित्र है, हैं? शंकर जी की जटा को स्पर्श करते हुए आए और सगर महाराज के संतान मर करके कहां राख बन गए थे गंगा सागर में, और वह उसको कितने हजार सालों पहले चले गए, लेकिन गंगा जब उनको ऊपर होते हुए बहते हुए चली गई उनका पूरा के पूरा उनको पूर्वज उधार हो गए, हैं? गंगा पानी को स्पर्श, उन्होंने बड़ी गंगा की महत्व सुना है। अभी जो जमुना किनारा में रहते हैं वो बड़ी जमुना की महत्व कहते हैं, जमुना नदी की कोई महत्व कम नहीं। ये अकबर हैं, ये अकबर को बोले जो जमुना में रह किनारा में रहते बोले जमुना श्रेष्ठ है, जो गंगा किनारा में रहते बोले गंगा श्रेष्ठ। अभी अकबर ने देखा अभी गंगा श्रेष्ठ ना जमुना श्रेष्ठ, ये बात को कौन विचार करेगा, मेरे को तो कुछ बता ही नहीं। बोले ढूंढो ऐसे कोई संत हो जिस संत का बात को एक बात में सबके सब मान जाए, एक बात में जिसकी बात मान जाए, ऐसे एक संत को ढूंढो। ढूंढते ढूंढते बोले एक संत है वृंदावन में रहते हैं जिनका नाम श्री जीव गोस्वामी है, बोले ये जीव गोस्वामी को प्रश्न की जाए। इसलिए जीव गोस्वामी को जो बोले अब आकर किसका मीमांसा करो, जीव गोस्वामी बोले देखो मैं वृंदावन छोड़कर रात को कहीं नहीं रहता, और ये घटना हो रही थी आगरा में, है? अभी उनको बोले घोड़ा में ले जाने आने का व्यवस्था किया जाएगा, श्री जीव गोस्वामी को लेकर के आए, और इतनी छोटी सी बात में समझा दिया ना सबके दिमाग में सब चीज बैठी गई, मतलब इतनी साधारण बात में समझा दिया। तब उन्होंने ये बताया, बोले ये बताओ ये गंगा सृष्टि कहाँ से हुई, बोले जिस समय भगवान वामन देव एक चरण को बढ़ाए और ये चरण भूर भुव मोह जन तप और सत्यलोक को पार किया और ब्रह्मांड कथा में जाकर के उनका चरण स्पर्श किया, कहते एक कथा आती है वहां भेद करके वो पानी निकली, बाद जब ये चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा वहां पर पितामह ब्रह्मा जी भगवान का चरण को अभिषेक करके वो चरणामृत को अपना कमंडल में रखे, ये हो गया गंगा। बोले गंगा कौन है, बोले वामन देव की चरण की पता हो तो पानी,
कहते वामन देव कौन है, कहते भगवान कृष्ण इनकी अभिन्न स्वरूप बलदेव प्रभु, बलदेव प्रभु से संकर्षण, उससे पर महासंकर्षण, उससे पर कारणद गोसाई खिराब दिशाई परम दिशाई, ये जो कारणद गोसाई से ये सारे अवतार आते हैं। मतलब कृष्ण का अंश 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 का अंश श्री वामन देव। कहते अभी जमुना देखो, बोले जमुना कौन है, बोले कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं ये इनकी सखी है, ये भगवान कृष्ण की सखी श्री जमुना। यही कृष्ण जब ये जाते, यही कृष्ण जब मथुरा में जाते हैं, यही नदी जब बहते हुए मथुरा जाती है, फिर ये कृष्ण की पटरानी बनती है, कृष्ण की पटरानी बनती जमुना। इसलिए कृष्ण की जमुना की पटरानी। तो उन्होंने बताया घर की, बताओ घर का एक रानी है और घर की एक सेविका, ये वामन देव का चरण से निकली से गंगा की सेविका। आप बताओ घर का एक रानी बड़ी ना घर में जो सेविका वो बड़ी है। सभी का दिमाग से बैठ गया भैया कि रानी, घर का रानी तो बड़ी होगी ना, उनका सखी रानी तो बड़ी होगी और घर का सेविका तो सेविका, सबको दिमाग में बैठ गया भाई सही है सही है। इसलिए जमुना की बड़ी महत्व, बोले से जमुना महारानी की जय। लेकिन ये गंगा का भी महत्व बड़ी है, लिखा बन, इसलिए गुरुदेव कहते। लेकिन ये गंगा जमुना जो ना ये बहन है, हर समय ये गंगा जमुना को बोलती थी, बोले जमुने तू बहुत सौभाग्यवती, बोले क्यों, बोले कृष्ण तेरे पानी में विहार किया है इसलिए तुम बहुत सौभाग्यवती हो। फिर ये जमुना कहती बोले गंगा कोई चिंता मत कर, यही कृष्ण ही कलयुग में श्री सचिन अंदर गौर हरि बन करके श्री नवद्वीप धाम में आएंगे। जब नवद्वीप में आएंगे उसी समय में चैतन्य महाप्रभु जल विहार करेंगे, पानी में विहार करेंगे। जैसे कृष्ण द्वापर युग में जमुना में विहार किया, उसी तरह कृष्ण कलयुग में कहते श्री गंगा में भी तुम्हारी विहार करेंगे और उसी समय तुमको एक सखी रूप में स्वीकार करेंगे। इसलिए तुम कोई चिंता मत करो, यही कृष्ण ही राधा जी के भाव अंग का लेकर महापुर रूप में जब विहार करेंगे तुम्हें सौभाग्य भी तुम्हें भी प्रदान होगी। इसलिए जमुना का भी महिमा कम नहीं और गंगा की भी महिमा, महाप्रभु भी उनको बड़े सौभाग्य प्रदान की है। इसलिए यहाँ पर श्री महाविष्णु अनंत देव को कहते हैं, बोले अनंत देव ये वृंदावन जो धाम है, जो नदी नदी नहीं, राधा कृष्ण का प्रेम ही द्रविड़ के रूप में, कहते वहां पर जितने तालाब है ना वो तालाब नहीं, जैसे प्रेम सरोवर। ये प्रेम सरोवर कैसे बना, राधा कृष्ण जो स्वयं प्रेम में द्रवीभूत हुए, वो द्रवीभूत हुए तो कहते ये प्रेम सरोवर बना। ये प्रेम सरोवर नहीं, राधा कृष्ण दोनों का ये प्रेम है। कहते मानस सरोवर, मानस सरोवर कैसे बना, जब राधा रानी मान करके रासलीला करते करते जब राधा रानी मान करके चली गई, राधा रानी जब कृष्ण प्रेम में मान करके उनको आंखों से जो आंसू बही ना, कहती ये श्री मानस सरोवर है। कहती है मानसी गंगा क्या है, बोले कृष्ण का मन से है ये गंगा, स्वयं कृष्ण की मन से प्रकट हुई इसलिए हो गया ये मानसी गंगा। कहती राधा कुंड श्याम कुंड किया, बोले ये राधा कुंड श्याम कुंड नहीं, ये राधा रानी स्वयं से राधा कुंड बनी और कृष्ण कुंड कौन है, ये स्वयं कृष्ण कुंड बने। इसलिए यहाँ पर महाविष्णु कहते कहते वहां के जो सरोवर है ना वो सरोवर नहीं, साक्षात राधा कृष्ण का प्रेम का ही रूप है, हैं? इसलिए बोले एक समय सारे तीर्थ एलिजा पर बैठे हुए एक मीटिंग की, होता है ना सबसे जो बड़े राजा होता है, एक राजा होता है जिनके अनुगत्य में सब रहते हैं और उनका कर देना पड़ता, टैक्स देना पड़ता है। एक बार सारे तीर्थ बैठे, बैठ करके उन्होंने तीर्थराज प्रयाग को सबसे बड़ा बनाया, क्योंकि गंगा जमुना सरस्वती एक साथ में जहाँ पर मिले हैं वो तीर्थराज प्रयाग है। बोले जितने सारे तीर्थ हमें आज से हम तीर्थराज, इसलिए उनका तीर्थराज, इसलिए तीर्थराज प्रयाग को हम आज राजा बनाते हैं। देखो आज से सबको उनको दर्शन करने जाना पड़ेगा और सबको कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन सबके सब तो टैक्स देते हैं,
लेकिन वृंदावन से ना कोई नहीं जाते। गुरुदेव कहते बोले यहाँ नदी की बात छोड़ दो, यहाँ तालाब की बात छोड़ दो, यहाँ पर एक कुआ तक भी ये प्रयाग पास में नहीं जाता। एक दिन प्रयाग दुखी होकर कृष्ण के पास में आए, बोले प्रभु आप मेरे को झूठ मूठ का क्यों राजा बना दिया, सारा दुनिया मेरे पास में कर त्याग दिन आते हैं लेकिन आप वृंदावन से तो कोई आते नहीं। एक कुआ तक भी, नदी की बात छोड़ दो, तालाब की बात छोड़ दो, सरोवर छोड़ दो, या कुआ तक भी मेरे पास में नहीं आते। इतने में कृष्ण ने कहा देखो प्रयाग, मैंने तो तुमको राजा बनाया ना, राजा तो मैंने तुमको बनाया, लेकिन मैंने राजा तो बनाया लेकिन अपना घर का राजा तेरे को नहीं बना दिया। भगवान कहते मेरे घर का राजा तेरे को मैं नहीं बना, ये वृंदावन ये क्या है, कहते अपना घर है। इसलिए कहते ना किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहां, कहते ना किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटी कोटी काशी है, है? इसलिए गोपिनी के द्वार पे बसत है हरिद्वार, के बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। बोले स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं क्या हम श्री वृंदावन वासी है। इसलिए कहते राधा रानी की जो किरत सुता के जो पग पग में ना, और प्रयाग है जहां पर राधा रानी का चरण पड़ता है, पग पग में प्रयाग है, हैं कोटि कोटि प्रयाग है, नहीं करोड़ों करोड़ों प्रयाग, केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी है, कहते करोड़ों करोड़ काशी जहां कृष्ण की कुंज है। बोले गोपिनी के द्वार पे है बसत है हरिद्वार, केदार बद्रीनाथ बसत दास दासी है। सब आप वृंदावन में जाकर देखोगे ना, सारे तीर्थ जमुना किनारे में 26 घाट है, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है चारों तरफ में वृंदावन धाम का कृपा प्राप्त करने के लिए सबके सब वहां पर बैठे हुए हैं, उनको कृपा प्राप्त करने के लिए। इसलिए यहाँ पर जो वृंदावन धाम को जो जयकार देते हैं, यहाँ पर दो बार श्री जयति जयति वृंदारण नंद मुरारी, इसलिए दो दो बार उन्होंने वृंदावन धाम की जयकार दिया। बोले से वृंदावन धाम की जय, देखो बोले से नवद्वीप धाम की जय। महाविष्णु महाविष्णु एक बात कहते हैं, कि देखो वृंदावन धाम इतने दुर्लभ है जहां पर मैं भी प्रवेश नहीं कर पाया। अभी फिर महाविष्णु कहते हैं अनंत देव को, फिर क्या वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं हो सकता है, फिर वृंदावन धाम हम दर्शन नहीं कर सकते। महाविष्णु कहते एक उपाय है, क्या उपाय है, अगर कोई गोपियों का दासत्व करे ना, गोपियों के अनुगत्य करे, केवल उनकी कृपा से ही वृंदावन धाम में प्रवेश होगा, इसलिए गोपियों की कृपा पाना भी इतना आसानी नहीं, ये भी बड़ा दुर्लभ है। इसलिए नारद जी ब्रह्मा जी को कहते हैं, बोले ब्रह्मा